तो लोकसभा चुनाव के आज नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 5 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही नैनीताल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट करीब 1,54,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों से अजय भट्ट काफी खुश नजर आ रहे हैं। अजय भट्ट ने बताया कि नैनीताल जनपद की जनता का प्यार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्य का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। देखिए, अभी रुझान बहुत अच्छे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, और नैनीताल वाली पर भी आगे बढ़ रही हैं सीटें, ये अभी पता हुआ है। अभी काफ़ी रुझान आगे बाकी हैं। ये सब मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है, और जो 10 सालों में कायाकल्प किया है वो लोग वहाँ पर उनके प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और उनके पक्ष में ही वोटिंग लोगों ने करी है, जनता ने करी है। मैं आभारी हूँ जो रुझानों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोई पीछे आगे नहीं, आप देखिएगा चुनाव का परिणाम आने दीजिए। अभी तो सिर्फ रुझान शुरू हुआ है पोस्टल बैलेट्स वगैरह के, पूरा एक बार परिणाम आने दीजिए। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व सरकार बनेगी, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। पूरी तरह से पूरा विश्वास है, जनता पर विश्वास है, हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बूथ से लेकर और प्रदेश स्तर के सभी नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर विश्वास है। हम लोग निश्चित तौर पर इस सीट को जीतेंगे।